नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार। इस वक्त मैं गाउंड रोड में मौजूद हूं, जहां हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश की पहली लाइब्रेरी अंबेडकर लाइब्रेरी यहां पर खोली गई थी। इसका सकारात्मक परिणाम जो है आज निकल कर सामने आ रहा है कि ग्रुप डी में इस गांव के लड़के ने सिलेक्शन प्राप्त किया है, और कैसे उसने मेहनत की, कैसे उसने इस मुकाम को पाया, इसमें जानकर लेते हैं कि किसमें इसकी साथ मिला है। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? मुकेश कुमार है सर। मुकेश जी, कौन से नौकरी लगी आपकी? क्या सर, अभी तो ग्रुप डी में लगी है और आगे भी दो नौकरी और लगेगी, ग्रुप 56 और 57। तो कहाँ आपने तैयारी की है? तैयारी यही की है सर, दिन रात यहीं पढ़े हैं। तो जैसे शहर में रहते थे कभी, तो पहले क्या हालात थे, लाइब्रेरी पढ़ने के बाद कैसा सर? शहर में एक तो टाइम कम जाता था, एक घंटा सुबह जाने का और एक घंटा आने का, ये दो घंटे थे खराब होते थे। और टाइम की या तो कभी पड़ जाते, दिन रात जब भी टाइम लगे, काम हो घर का वो भी हो जाता था। तो मतलब इस लाइब्रेरी का आपको फायदा मिला है गांव में? हाँ जी, सभी को बहुत फायदा मिला सर। तो गांव के सरपंच प्रतिनिधि है माता सुखविंदर जी, उनसे बात करेंगे कि इसके बारे में क्या कहें, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस लाइब्रेरी का उद्घाटन करके गए थे हाल ही में, करीबन एक दो महीने पहले की बात है जब इसका उद्घाटन हुआ था। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो क्या बताएंगे इसका, जब उद्घाटन सीएम साहब करके गए थे, क्या उस टाइम पे थी उम्मीद कि ऐसे रिजल्ट आएंगे इसके? हमारे गांव के मंत्री जी माननीय देवेंद्र बबली जी गांव में आए थे, तो बच्चों ने एक मांग रखी थी कि लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी को मंत्री जी ने देख के एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया कि ऐसी लाइब्रेरी हर गाँव में हो, शिक्षा के लिए सारे हरियाणा में हो। तो हमारे गाँव में लाइब्रेरी की जो सुगात दी है, इससे हमारे गाँव को बहुत ज़्यादा फायदा और आस पास के गाँव के बच्चों को भी फायदा हुआ है, जिसको लेकर हमारे माननीय पंचायत अपने माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार पिछले दिनों यहाँ आए थे और बहुत प्रसन्न होकर गए थे कि इतनी मैनेजमेंट और इतने अनुशासन के साथ यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि ऐसी लाइब्रेरियाँ हरियाणा में सभी गांव तक पहुँचे, ताकि शिक्षा को लेकर बच्चों में उत्साह पैदा हो। तो कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं गांव के? हमारे गांव में लगभग 10 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इस लाइब्रेरी बच्चे यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं आज? शिक्षा ग्रहण तो आप अंदर जाकर देखो, अभी भी 30-35 बच्चे मान लो डे नाइट पढ़ते हैं, ये 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहती है। तो आपने सुना कि गांव के सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद जो इस लाइब्रेरी का उद्घाटन करके गए थे, और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लाइब्रेरी में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, जिसका जो खुद सीएम साहब ने यहां पर निरीक्षण किया था उस टाइम गांव के सरपंच की उन्होंने पीठ थपथपाई थी कि जो विकास कार्य गाँव में करवाए गए हैं, जो लाइब्रेरी बनाई गई है, सुंदर तरीके से उसको बनाया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। आप इसकी लाइब्रेरी की व्यवस्था को देखेंगे तो काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया गया है। हमें एक दो छात्र हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरीके का यहाँ माहौल है और क्या क्या सुविधाएं उन्हें मिली है। यदि वो शहर में जाते तो उनका कितना टाइम की भी नुकसान होता है। साथ में एक छात्र है, उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार भाई सर। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शुभम कटारिया। तो आप यहाँ किस के लिए तैयारी कर रहे हैं, कौन से? मैं सिविल सर्विसेज यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो कौन से काम करने वाले हैं? इसी गांव के डोलट। तो ये लाइब्रेरी बनी है, कितना फ़ायदा मिला आपको इसका? इसके बहुत सारे बेनिफिट है। एक्चुअली आज के टाइम पे जैसे देखा जाता है, वुमेन इनसिक्योरिटी जितनी होती है, टाइम वेस्ट होता है आने जाने के लिए। गाँव के अंदर गाँव फैसिलिटी है, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है एज़ कम्पेरिजन टू सिटीज़, तो इसके बहुत सारे इस चीज़ में बेनिफिट्स है। दूसरा अगर देखी जाए तो साइबर सिक्योरिटी की यहाँ पे व्यवस्था है, साइबर टेक्नोलॉजी की व्यवस्था है, वाईफाई फैसिलिटी है, गर्मियों में देखा जाए तो एसी की फैसिलिटी है। तो लगभग ये कह सकता है कि कंपोजिट कम इन्वायरमेंट है यहाँ पे। तो किसका धन्यवाद करेंगे आप इसके लिए? मैं इसके लिए हमारे स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा के सीएम साहब, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी एंड कैबिनेट मिनिस्टर, पंचायत डेवलपमेंट के जो है हमारे देवेंद्र सिंह बबली जी कैबिनेट मिनिस्टर, और हमारे गाँव के सरपंच एंड पंचायत मेंबर जितने भी हैं जिन्होंने इस चीज़ के अंदर अपना योगदान दिया, या जो जितने भी गांव के ग्राम सभा के मेंबर्स हैं, सबने इस चीज़ के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया। कोई भी डेवलपमेंट होती है ना गांव के अंदर, तो उसमें सभी का एक सहयोग होता है, जिसकी वजह से वो चीज़ बन के रहती है। जैसा अगर आप इसको देखोगे, अगर आसपास देखोगे, लगभग इसको 2.5 साल हो चुके हैं, आप देख सकते हो किसी में भी कोई चीज़ की कमी नहीं है। लगभग यहाँ के सभी के लोगों ने इसमें कोऑपरेट किया, अपना जो भी टाइम टू टाइम इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस किए हैं, रेगुलेशंस लगाए हैं, जिसकी वजह से आज ये लाइब्रेरी बहुत अच्छे से चल रही है। एक अन्य छात्र है, हम उनसे बेटियों से बात करना चाहेंगे कि उनको इसमें लाइब्रेरी में आकर जी क्या बताएंगे आपको, कितना कैसा महसूस होता है यहाँ पे, सुरक्षित माहौल है? हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, पर कई दूर हमें पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता था, पास में तो हमें यहाँ इसलिए बेनिफिट होता है कि पास आते हैं। तो यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं बेटियाँ, साथ पढ़ाई भी रहती है? हाँ, यहाँ में कोई डर नहीं है, यहाँ पे हमारे भाई भी आते हैं, बहन भाई सभी आते हैं, पढ़ते हैं आराम से। तो आपने सुना कि यहाँ पे गांव के जो सरकार की जो मुहिम थी ई लाइब्रेरी की, वो काफ़ी सफल सकारात्मक परिणाम उसके देखने को मिल रहे हैं। मिलते हैं नए किसी और खबर के साथ। नमस्कार।